आइए दोस्तों, आज हम तवा पनीर टिक्का बनाना सिखाते हैं। और ये एक ट्रेडिशनल डिश तो नहीं कह सकते उसको, हम एक ये लोगों की पर्सनल डिश कह सकते हैं इसको। इसका बहुत इजी है, बहुत टेस्टी होता है ये। इसमें देखिए, मैंने ये पनीर के टुकड़े ये छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। इसको आप इसको ऐसे कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, इससे थोड़ा सा बड़ा भी। और इधर मैंने ये शिमला मिर्च भी देखिए छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है। और आप इसको और छोटा करना चाहें कर सकते हैं। और ये ग्रीन चिली है, ये टमाटो मैंने इस तरह काट लिया है। आप चाहें तो इसको दूसरे उसमें भी कर सकते हैं। अभी हम आगे इसको तवे में सेकने के लिए चलेंगे। ये तवा चिली पनीर है। एक चम्मच तवे में घी डालेंगे, थोड़ा कम, बस बहुत हो गया। देखिए ये भी हमने आग को धीमा किया हुआ है, इसको हमने एक चम्मच इसमें घी डाला है। अभी इसको हम पनीर है इसको फ्राई करेंगे, और बहुत ही बढ़िया। अभी हम इसमें तवे में पनीर डालेंगे धीमे धीमे, ताकि ऊपर छिटे ना आए, बहुत आराम से। और हम तवे को इसकी आग को धीमा कर देंगे, इसको आग को धीमा कीजिए। अभी हमने देखिए इसमें ये पनीर डाल रहे हैं इसमें, अभी ये फ्राई हो जाएंगे और इसको फिर हम पलटेंगे। मैंने एक तवा लिया है, आप इसके लिए फ्राई पैन जिसमें डोसा बनता है उसको भी ले सकते हैं आप, वो भी इसके लिए बेटर ऑप्शन है। और ये हम पनीर तवा में फ्राई कर रहे हैं, ये तवा पनीर टिक्का है। ये देखिए हम इसको, ये इसको लाल हुआ है, ये पनीर हुआ है। ये जब तक लाल नहीं होगा तब तक इसकी खूबसूरती नहीं आएगी, इसमें टेस्ट नहीं आएगा। इसको हमको अच्छी तरह लाल कर लेना है, बस ख्याल रहे कि जलना नहीं चाहिए ये जो पनीर है। देखिए इससे मैं इसको पलट रहा हूँ, और बहुत स्वादिष्ट होता है ये। पहले लोग इसी को खातिर बनाते थे, कहीं कहीं आज भी इसी की लोग इसको कढ़ाई में छौंकना नहीं है, इसको तवे में सिर्फ फ्राई करना है। ये देखिए, अगर आपको लगे कि वहाँ घी कम हो गया तो घी और डाल सकते हैं इसमें, ऐसा नहीं घी आप नहीं डालें। और थोड़ा ऐसे करते हैं ताकि इसमें आग बराबर मिले, ज़्यादा तेज़ नहीं करना है हमको, एक नॉर्मल आग रखनी है। देख लीजिएगा जले नहीं, बस इसको जलना नहीं चाहिए, जलेगा तो ये ख़राब लगेगा। बहुत ही टेस्टी डिश है, और इसको लोग बहुत प्रेफर करते हैं। आप इसको खाएंगे तो वाकई में आप कहेंगे कि वेरी टेस्टी, वेरी यमी। इसको जब देखते रहिए, पलटते रहिए, कहीं बस हमारे ये पनीर के जो टिक्के हैं ये जल ना जाए। हमारे ये जो पनीर के टिक्के हैं देखिए लाल हो गए हैं। और हमारे पास अभी एक और लॉट है, इसको हम अभी करेंगे, धीमा किया हमने, अभी हम इसको निकाल लेंगे। ये काफ़ी स्वादिष्ट होते हैं खाने में, ये थोड़ा सा कड़े हो जाएंगे तभी खाने में मज़ा आता है, टेस्टी तभी होते हैं। ये देखिए जो हो गए, मैं इसको बाहर निकाल रहा हूँ, और थोड़ा सा और इसको खाता हूँ, जो कुछ बाकी रह गए हैं वो भी हो जाएंगे। आप इसी तरह को अपनी स्वादानुसार इसको आप फ्राई कर लें। और आग को, फ्लेम को अपने हिसाब से आप सेट करते रहिए। अभी देखिए हमने ये तो फ्राई कर लिया, अभी थोड़ा सा हम ये शिमला मिर्च इसमें डाल के फ्राई करेंगे। शिमला मिर्च से थोड़ा ग्रीन चिली भी फ्राई कर लेंगे हल्का सा। अभी ये हम इसको धीमे धीमे धीमी आँच में फ्राई करेंगे, शिमला मिर्च बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है। इससे हम शिमला मिर्च पे टमाटर फ्राई करेंगे। ये शिमला मिर्च में देखिए फ्राई किया हुआ है। अगर आपको लगे कि इसमें घी या कुछ जो भी ऑयल कम है तो डाल सकते हैं आप इसमें एक्स्ट्रा ऊपर से, ताकि उसको फ्राई होने में
और ये अगर आप तवे में फ्राई करेंगे तो उसका इतना टेस्ट नहीं आएगा, कढ़ाई में फ्राई करेंगे सॉरी तवे में टेस्ट ज़्यादा आता है फ्राई करने से, और कढ़ाई में करेंगे तो उसका टेस्ट इतना नहीं आएगा, वो बराबर नहीं हो पाएगा। इसलिए पहले के लोग जो कढ़ाई होती थी उनकी बहुत तवे की तरह बहुत बड़ी होती थी और काफ़ी फैली हुई होती थी, उससे से वो बनाते खाते थे। और हम इसको थोड़ा सा नमक भी डालेंगे ताकि जल्दी फ्राई हो जाएगा और इसमें नमक अंदर खुल जाएगा और बहुत टेस्टी बनेगा। ये मैंने इसमें नमक डाल दिया है और ये बहुत ही हम फ्राई करने के बाद एक कढ़ाई में इसको बनाएंगे क्योंकि बाहर फैलेगा इसको हम, ताकि देखिए हमने जो पनीर बनाया है फ्राई किया है वो काफ़ी हार्ड हो गया है, अभी टेस्ट हो गया है, तो इसको भी हम चिप्स की फॉर्म में ले आते हैं, ये बाद में खुद ही पकता रहेगा। अभी हमने इसमें फ्राई पैन में घी डाला है और इस पर जीरा डालेंगे, जीरा डाल के ये जी हमें घी फ्राई हो रहा है। जीरा बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है और ये पेट के लिए और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद चीज़ है। इसमें हम ड्रॉप होंगे टमाटर डाल देंगे, टमाटर इसमें फ्राई होगा, टमाटर अगर देसी मिले तो ज़्यादा अच्छा होता है। ये आजकल वैसे टमाटर आते हैं, अभी हम इसकी शिमला मिर्च को इसी में डाल देंगे, ये बड़ा सोना पड़े में है कहा ही, क्योंकि इसको हमने तवे में फ्राई किया था। अभी हम इसमें ये पनीर डाल देंगे, क्योंकि थोड़ा सा कच्चा ही रहेगा तो बेहतर होगा। टमाटर शिमला मिर्च हमें डाला है, अभी हमने इसमें हल्दी और गरम मसाला मिलाया है और इसको भी हम ढक देंगे, चला दिया है और ताकि ये थोड़ा सा अच्छी तरह पक जाएगा, फिर ये इसको हम बस खाने के लिए रेडी हो गया। फिर इसको आप परोसिए और अपने मेहमानों को खिलाइए तवा चिली पनीर।